नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल जगत जानकारी में। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से CET 2022 पे एक लेटेस्ट अपडेट निकल के सामने आ चुकी है। तो CET क्वालिफाइंग नेचर पे मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ा बयान दिया है कि CET क्वालिफाइंग नेचर होगा या नहीं होगा, उस पर पूरा बयान निकल के सामने आ चुका है। उसके बारे में पूरा डिस्कशन हम करने वाले हैं, पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाले हैं। प्लीज़ आप लोग वीडियो को जो है लास्ट तक देखते रहिएगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए। उसके साथ साथ आप इंस्टाग्राम पर जाके फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और अपने टेलीग्राम पर जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बताएंगे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन की हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से जो भी इन्फॉर्मेशन निकल के सामने आई, मुख्यमंत्री जी ने कौन सा बड़ा बयान दिया है कि CET क्वालिफाइंग नेचर होगा या नहीं होगा। तो जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं कि CET का एग्जाम्स जो है वो कंप्लीट करा दिए गए हैं और आप लोग अभी आंसर की के लिए अपना इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच CET क्वालिफाइंग नेचर के बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो उठ रहे हैं कि CET क्वालिफाइंग नेचर किया जाए, 40-50% का जो क्राइटेरिया है उसको माना जाए, लेकिन जो 4 गुना का क्राइटेरिया है उसको नहीं माना जाए, ऐसा सभी बच्चों की मांग है। और लगभग 90% ऐसे बच्चे हैं जो CET क्वालिफाइंग चाहते हैं, हो सकता है 2-4% बच्चे ना चाहते हों, लेकिन टॉपर जो भी बच्चे हैं उनसे मेरा एक आग्रह है कि प्लीज़ आप लोग इस चीज़ में आप लोगों की कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आज आप टॉपर हैं तो कल आप CET के थ्रू ग्रुप सी में एग्ज़ाम्स जो हो भी होंगे उसमें भी आप लोग टॉपर रहेंगे। अगर आप लगातार पढ़ाई करते रहेंगे तो आप लोग का कोई नुकसान नहीं है, आप लोग भी आइए और सपोर्ट करिए। तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से और साथ साथ मुख्यमंत्री जी ने क्या अपडेट दिया है, क्या इन्फॉर्मेशन CET के लिए दिया है कि CET क्वालिफाई होगा या नहीं होगा। तो मैं एक इन्फॉर्मेशन बता दूँ कि जो अपने आपने एक YouTube चैनल देखा होगा GK भाई प्रवीण सर की तरफ से, तो प्रवीण सर की तरफ से कल एक इन्फॉर्मेशन जारी किया गया था कि वो मुख्यमंत्री आवास पे गए थे वहाँ पे मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए। तो वहाँ पे उनको बताया गया कि वो CET क्वालिफाइंग के ऊपर सकारात्मक विचार करेंगे कि CET क्वालिफाई होना चाहिए, ऐसा उन्होंने बोला है कि CET क्वालिफाई होना चाहिए, इस पर हम सकारात्मक विचार जरूर करेंगे। लेकिन उसके लिए आप सभी लोगों का सपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सभी लोगों का सपोर्ट उसमें मिलना चाहिए। तो अगर एक आदमी के जाने से ऐसा सपोर्ट मिल रहा है तो अगर हम सब मिल के जाकर सपोर्ट करेंगे इस चीज़ के लिए, एक आंदोलन चलाएंगे जिसमें कि देखिए शांतिपूर्वक आंदोलन चलाइएगा, ऐसे कोई उपद्रव वाला आंदोलन की ज़रूरत नहीं है। शांतिपूर्वक आंदोलन से अगर क्वालिफाई करा पाते हैं हम लोग तो बहुत अच्छी बात है, सभी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो मुख्यमंत्री जी का यह कहना था कि सकारात्मक विचार जो है वो जरूर से जरूर करेंगे इस पर। अगर उनका उनके दिमाग में थोड़ा सकारात्मक विचार अगर आया है तो हम उसको और सकारात्मक बना सकते हैं, उसके लिए आप प्लीज़ सपोर्ट करिए, सबको मिल के सपोर्ट करिए। जो बच्चे कोर्ट केस किए हैं उसके थ्रू भी सपोर्ट दीजिए, उसके बाद जो नहीं किए हैं या तो और जिस तरीके से करना चाहते हैं उसके लिए भी आप सपोर्ट लीजिए। तो अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का वॉचिंग वीडियो। वीडियो पसंद है प्लीज़ वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।